हेलो एवरीवन वन हाउ यू ऑल डूइंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर फ्रॉम योर बुक ग्रामर ग्लिटर और जैसी वी आर स्टिंग द ब्रेन रूट सीरीज एंड आज हमारे चैप्टर का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस चलिए अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है प्लीज अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली ओके फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू द कम्पलीशन ऑफ एन एक्शन बाई अटन टाइम इन फ्यूचर ठीक है कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर चीज पूरी होगी वो फ्यू चीज फ्यूचर में कंप्लीट होगी जैसे द बोर्ड विल हैव डिक्लेयर द रिजल्ट बाय द नेक्स्ट वीक ठीक है और कैसे यूज कर सकते हैं आई विल फिनिश्ड तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो विल हैव और या फिर शैल हैव आपका यूज होगा प्लस तो, Past form. Okay. Let's see sentences. David his exams by fourteen September. David will have finished his exams by fourteen September. They will have left the classrooms by the end of the day. Second one. I'm repeating. They will have left the classrooms by the end of the day. Third he dashed the book by the end of the year. he will have written the book by the end of this year. the sun dash before we start out. the sun will have rose before we start out. the birds dash to the south by winter. the birds will have flew to the south by winter. okay. तब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने विल हैव को यूज करा है विद द पास्ट फॉर्म रीराइट रिडाइड सेंटेंसेस विद वन वर्ब इन फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस आई फिनिश्ड कुकिंग बाय 9 ए एम आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय 9 एम आई शैल रिटर्न बाय नेक्स्ट वीक आई शैल हैव रिटर्नड बाय नेक्स्ट वीक दे विल स्पेंड ऑल द एनर्जी बाय देन दे विल हैव स्पेंट ऑल द एनर्जी बाय देन

I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.